वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे समस्त स्वागत। ए भिडियो दशम श्रेणी जीव विज्ञान शक्तिर उत्स चैप्टर क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर वन रु सेवेन जाए आलोचना करवा। यह पार्ट टू भिड जो पे पार्ट वन देखी ना भिडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे लिंक में क्लिक करके देखी नि। ठीक अच्छे तेल आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर वन अच्छी सौरचूलार गठन और कार्यकारिता चित्र सह बुझाओ। ये रहा क्वेश्चन आंसर हम जो उपकरण द्वारा सौरताप रोषे जाए ताकि सौरचूला कह जाए। एथिरे सौरताप सीधा सड़क रोषई द्रव्य को गरम करतापर रही सौरचूलार गठन। सौरचूला निम्नलिखित अंशगुड़ी को नहीं गठित होता है यथा आधारपात्र तापसी आच्छादन प्रतिफलक। ये रहा सौरचूलार चित्र। तेल सौरचूलार गठन क्या क्या नहीं आधारपात्र तापसी आच्छादन आउ प्रतिफलक। तेल एम कार्य कौन परवर्त पेज यार एनसर देखा। प्रथम अच्छे आधारपात्र एथिरे जल और रंधाद्रव्य रखापी पात्र मन थाए। सेकेंड पॉइंट अच्छी तापसी आच्छादन आधारपात्र भीतर पार्श्वे कला रंगर प्रलेप दि जाए था। यार उपरी भाग को काच फलक आवृत कर फल पात्र भीतर पार्श्व तापम्रा वृद्धि पाए पात्र द्वारा अवशोषित ताप सहजरे काच आवरण बाहर को जापे ना। थर्ड पॉइंट अच्छे प्रतिफलक सूर्यकिरण को सीधा किंवा अवतल प्रतिफलक केंद्रीभूत कर आधारपत्र को पक जाए। सूर्यर अवस्थान अनुसार यह विभिन्न दिगरे घूर सूर्यकिरण को आधारपत्र फोकस कर साधारणत तो आलुमिनियम धातु किंवा काचरे प्रतिफलक या अधिक प्रतिफलन प्रतिफलक भीतर पृष्ठ को अति मसृण कर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर टू जुआर किपरी विद्युत शक्ति उत्पादन करहब वर्णन कर। आंसर फर्स्ट पॉइंट अच्छी 1961 मसीह फरासी वैज्ञानिक मैंने जुआर शक्ति संग्रह पर एक योजना प्रस्तुत करते। सेकेंड पॉइंट अच्छी रांस नदी मुहाण में जुआर भट्टा मध्य जलपतन उच्चतार प्राय 14 मीटर पार्थक्य रहे दिनक मध्य दुईथर जुआर और भट्टा होता है से ही जुआर विद्युत शक्ति उत्पादन कराए। थर्ड पॉइंट अच्छी जुआर शक्ति संग्रह पर नदी मुहाण में प्राय 20 किलोमीटर लंबर जलाशय निर्माण कर स्लुइस गेट लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट अच्छी उच्च जुआर समय से ही गेट को खोली दि जाए जलाशय मध्य को जल प्रवेश कलापर गेट बंद कर उच्चपतन जल को नियंत्रित भाव समुद्र को खलास कर। लास्ट पॉइंट अच्छी खलास होता जलस्रोत टर्बाइन चढ़ विद्युत शक्ति उत्पादन कराए। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छी पवनकूलर चित्र अंकन कर यार उपयोगिता आलोचना कर। आंसर फर्स्ट पॉइंट अच्छी पवनकूल साहय गतिज शक्ति को उपयोग कर जेनेटर चढ़ाई विद्युत शक्ति उत्पादन कराए। सेकेंड पॉइंट अच्छी वायु प्रवाह हेले पवनकूल प्रोपेलर घूरे और एथी सहित संयुक्त जेनेटर घूरी थाए फल विद्युत शक्ति उत्पादित हुए। थर्ड पॉइंट अच्छी गोटे पवनकूल उत्पादित शक्ति एत अधिक नुहे तेणु एका सांगे गोटे स्थान में अनेक पवनकूल स्थापन कराए पवन शक्ति केन्द्र व पवन शक्ति क्षेत्र कहुए। लास्ट पॉइंट अच्छी शक्ति केन्द्र गुड़िकर उत्पन्न समूह शक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में विद्युत शक्ति उत्पादन क्षेत्र में सहायक होता है। ये रहा पवनकूल चित्र। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी सूर्य सकल शक्तिर आधार यक्तिर यथार्थता दर्शाओ। ये रहा आंसर फर्स्ट पॉइंट अच्छी पृथ्वी पृष्ठ में जिते प्रकार शक्ति उपलब्ध से गुड़िकर मूल उत्स सूर्य अटे। सेकेंड पॉइंट अच्छी जलस्रोत वायुस्रोत ठू आरंभ कर वृक्षलतादी जैव रासायनिक शक्ति जीवाश्म शक्ति आदि समस्त शक्ति सौर शक्ति ही सृष्टि होता है। थर्ड पॉइंट अच्छी जलस्रोत साधारणतः सूर्यकिरण प्रभाव में उत्पन्न होता बृष्टिपात जो संभव होता है। फोर्थ पॉइंट अच्छी वृक्षलतारे जैव रासायनिक शक्ति को से आलोक श्लेषण पद्धति में सूर्यालोक लाभ कर शक्ति खाद्य खादक श्रृंखल अन्य जंतु मान स्थानांतरित होता है तेणु सूर्य को सकल शक्तिर आधार कहुए। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर फाइव रही गोबर गैस प्लांट रो चित्र अंकन कर विभिन्न अंश कार्य उल्लेख कर। आंसर गोबर गैस प्लांट निम्नलिखित अंश रही था यथा फर्स्ट अच्छी प्रवेश पत्र
ଏଥିରେ ଗୋବର ଓ ପାଣି 4:5 ଆୟତନ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ମଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଓ ଏହି ମଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏକ ନଳ ଭିତର ଦେଇ ଆପେ ଆପେ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପ, ଏହାର ଚାରିକାନ୍ଥ ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଭୂମିର ଉପରକୁ ଓ 2/3 ଭୂମିଠାରୁ ତଳକୁ ଥାଏ। ଗୋବର ଓ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ ଏଠାରେ ଜମା ହୁଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଡମ୍, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଡମ୍ଟି ସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ, ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟରେ ଡମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା କୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ବାୟୁରୋଧୀ କରିଦିଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ନିର୍ଗମନ ନଳୀ, ଏହି ଧାତବ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲାକୁ ଯାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚାପରେ ଏହାକୁ ଜଳେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ସୋଲାର ସେଲ୍ କ'ଣ, ଏହାର ଉପକାରିତା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ସୋଲାର ସେଲ୍ କ'ଣ। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ସୋଲାର ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସୌରଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ବିନିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟିୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଉପକାରିତା, ତାହେଲେ ସୋଲାର ସେଲ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାରିତା ରହିଛି ତାହା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା। ସୋଲାର ସେଲ୍ର ଉପକାରିତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସୌର ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁର୍ଗମ ବରଫବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଓ ମହାକାଶ ଉପଗ୍ରହରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୋଲାର ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସୌର ସେଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ଧରଣର ସିଲିକନ୍ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୌର ସେଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ। ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେଲ୍ ଓ ସେଲ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିଲଭର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏ ରହିଲେ ଆନ୍ସର୍, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଏକ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ପରେ ଜଳକୁ ଉଚ୍ଚ ପତନରୁ ନିମ୍ନ ପତନକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳସ୍ରୋତର ଶକ୍ତି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଟର୍ବାଇନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜେନେରେଟର ଆର୍ମେଚର୍ ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।